हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एम्बेसी यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को यूसीएल न्यू रजिस्ट्रेशन का बारे में, मतलब उसका प्रोसेस दिखाने वाला हूं, उसका बारे में मैं बताने के लिए जा रहा हूं। और आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको पता चल जाएगा एक आधार सेंटर लेने के लिए आपको क्या क्या जुगाड़ करना पड़ता है और क्या क्या फिलअप करना पड़ता है। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर में वही सारा कुछ आपको डिटेल्स में समझाया जाएगा और आप लोगों को दिखाया जाएगा प्रोसेस उसका। तो रिसेंटली अभी ये आया है, यूसीएल का न्यू लॉन्च कर दिया गया है यूसीएल का रजिस्ट्रेशन। तो गाइस, आप लोग अभी इजीली कर सकते हो। तो वीडियो पर बने रहे, आप लोग देखिए एक बार उसका प्रोसेस क्या क्या है, आप भी सीख जाएंगे। तो ये सीएससी से आया है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए, इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो देखिए गाइस, आधार का यूसीएल का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सीएससी के थ्रू से जो कि ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और यह में लिखा है गाइस, डेमोग्राफिक अपडेट थ्रू अपडेट क्लाइंट लाइट यूसीएल। तो देखिए गाइस, यूसीएल का जो भी अभी रजिस्ट्रेशन नया प्रोसेस वो फाइनली हो चुका है, मतलब आप लोग अभी यह में आकर इजीली यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले देखिए गाइस, हमें डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। ये मैं देख सकते हो कंटिन्यू एज आपका जो भी सीएससी आईडी है उससे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। या मैं डू यू ऑथोराइज अपडेट, मतलब अपडेट क्लाइंट लाइट रजिस्ट्रेशन, तो सिंपली आपको यस कर देना है। या मैं यूसीएल का फुल मीनिंग आप लोग देख सकते हो, अपडेट क्लाइंट लाइट तो रजिस्ट्रेशन, यहाँ में आपको क्या करना है, यस कर देना है। तो देखिए गाइस, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। अभी हमें आपका ईमेल आईडी और आपका सीएससी आईडी शो हो जाएगा। यह में प्रोसीड बटन है और यह में करंट स्टेटस, यह में कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ स्टेट टीम्स। तो देखिए गाइस, यहाँ में आप लोग करंट स्टेटस, यहाँ में क्लिक करके करंट स्टेटस देख सकते हो। और उसके बाद में यह में कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ स्टेट टीम्स, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो प्रोसीड पर सिंपली क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक कर देने के बाद में देखिए कि हमें वैली नेम दे देना है आपका जो भी है वैली नेम। यह हमें वैली का बैंक वीसी कोड, मतलब मैंडेटरी है बैंकिंग पॉइंट होना जरूरी है, आपका जो भी है बैंकिंग पॉइंट दे दीजिए। हमें तो सिंपल फॉर्म है गाइस, ये हमें बैंकिंग पॉइंट वीसी कोड दे दीजिए, नेम बैंक इशूइंग वैली वीसी कोड फिर से हमें दे दीजिए, स्टेट वेयर सीएससी इज लोकेटेड, तो जो भी सीएससी आपका जिस भी स्टेट पर है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर देना है अपना हिसाब से। तो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, देखिए गाइस मिजोरम, तो इस तरीके से आप लोग कर देना है। डिस्ट्रिक्ट, हमें डिस्ट्रिक्ट वेयर सीएससी इज लोकेटेड, तो डिस्ट्रिक्ट हमें सिलेक्ट करना है कुछ भी। और पिन कोड ऑफ लोकेशन वेयर सीएससी इज लोकेटेड, तो पिन कोड दे देना है। सीएससी सेंटर कंप्लीट एड्रेस, तो सीएससी सेंटर का कंप्लीट एड्रेस हमें दे देना है। वैली मोबाइल नंबर दे देना है, वैली ईमेल आईडी दे देना है। उसके बाद में आधार एनएसईआईटी ऑपरेटर और सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। तो गाइस, यहाँ में आपका अगर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है तो गाइस यस करिए और सुपरवाइजर सर्टिफिकेट यहाँ में अपलोड कर दीजिए, जो कि जेपीजी और पीडीएफ फाइल में सपोर्ट करता है। तो सिंपली देखिए, अगर आपके पास आधार एनएसईआईटी ऑपरेटर है, ऑपरेटर के लिए आप लोग, ऑपरेटर का मतलब सर्टिफिकेट है, तो गाइस ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है तो यस, और उसके बाद में अपलोड कर देना है ब्राउज पर जाके। तो गाइस, ये मैं सुपरवाइजर सर्टिफिकेट या तो आधार एनएसईआईटी ऑपरेटर्स तो वो होना जरूरी है, और उसके बाद में यह हमें यस करके सर्टिफिकेट नंबर और ये मैं आपको अपलोड कर देना है सर्टिफिकेट। तो देखिए गाइस, उसके बाद में ऑपरेटर सुपरवाइजर, ऑपरेटर अब्लिक सुपरवाइजर पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी नॉट मोर देन 3 months old। तो देखिए गाइस, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि गाइस ऑपरेटर या नहीं तो आपका जो भी है सुपरवाइजर का, तो वो सर्टिफिकेट का मतलब एक पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो कि वो 3 months से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए गाइस, वो सिंपली यस करके हमें अपलोड कर देना है, वो भी सेम जेपीजी और पीडीएफ फाइल अलाउ है हमें। तो उसके बाद में सिंपली 12 नंबर में ऑपरेटर सुपरवाइजर ई आधार, तो यस, और यह हमें आधार नंबर दे देना है।
उसके बाद में ऑपरेटर सुपरवाइजर मोबाइल नंबर लिंक विथ आधार, तो देखिए गाइस यस करके हमें आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर है आपका वो दे देना है। ऑपरेटर सुपरवाइजर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो भी है यस करके हमें अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी दे दीजिए। ऑपरेटर सुपरवाइजर ईमेल आईडी तो दे दीजिए। उसी तरीके से लैपटॉप अवेलेबल एज पर द यूआईडीआई स्पेसिफिकेशन क्लिक टू शो द स्पेसिफिकेशन। तो देखिए गाइस हमें लैपटॉप जो भी है यह हमें आप लोग यस करिए और यूआईडीआई लैपटॉप स्पेसिफिकेशन क्लिक किया तो यहाँ में आप लोग जाके क्लिक करके देख सकते हो अपना हिसाब से देखिए गाइस ये। और कलर मल्टी फंक्शंस प्रिंटर अवेलेबल होना चाहिए यस कर दीजिए। सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस अवेलेबल होना चाहिए। आधार कार्ड बनाने के लिए जो डिवाइस चाहिए फिंगरप्रिंट हो गया, आँख का हो गया, आयरिस का, और पीसी हो गया आपका लैपटॉप, और उसके बाद में प्रिंटर, ये सारा कुछ होना ज़रूरी है। और यह हमें देखिएगा सब कुछ ये हमें बोला गया है, फिंगरप्रिंट का बोला गया है, आँख का जो कि आयरिस स्कैन डिवाइस अवेलेबल होना चाहिए, और TFT मॉनिटर डिवाइस अवेलेबल होना चाहिए, GPS डिवाइस अवेलेबल होना चाहिए, CSC सेंटर हैविंग द स्पेस ऑफ वेटिंग एरिया ऑफ एटलीस्ट सीटिंग ऑफ 5 सिटीजन। तो देखिए गाइस अगर आपका CSC सेंटर भी है और वहाँ में देखिए गाइस आपका जो भी मतलब कस्टमर लोग आएंगे तो गाइस वहाँ में आपको 5 सिटीजन्स को बैठने के लिए एक एरिया मतलब होना चाहिए जो कि वो एरिया में कस्टमर लोग बैठ सके, तो यहाँ में वो होना चाहिए। और यहाँ में यस करके आपको जो भी है इनसाइड और आउटसाइड आपका मतलब शॉप का इनसाइड और आउटसाइड का पिक यहाँ में आपको अपलोड कर देना है। तो गाइस बहुत ही ईजी है, आप लोग देख सकते हो। इंटरनेट अवेलेबिलिटी एट द सेंटर, तो इंटरनेट होना चाहिए जो भी है आपका, तो वो दे दीजिए हमें। और उसके बाद में CCTV कैमरा भी होना चाहिए। देखिए गाइस आधार कार्ड सेंटर लेने के लिए सारा कुछ ये मैंडेटरी है, और CCTV कैमरा जो भी है यस, और फिर से वो अपलोड कर देना है एक कॉपी मतलब PDF या तो JPG फाइल में अपलोड कर देना है हमें फ़ोटो मार के। और हमें दिव्यांग फ्रेंडली सेंटर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ RAMP एंड व्हीलचेयर, तो देखिए गाइस अगर कोई डिसेबिलिटी का लोग आपका सेंटर पर आ रहे हैं तो गाइस उनको बैठने के लिए उनको मतलब व्हीलचेयर का सुविधा होना चाहिए जो कि वो भी यहाँ में मैंडेटोरी है। तो गाइस ये सारा कुछ फैसिलिटी होना चाहिए एक CSC मतलब आधार UCL सेंटर में। तो देखिए गाइस हमें टोकन सिस्टम मशीन अवेलेबल फॉर सिटीजन, तो ये टोकन सिस्टम भी होना चाहिए यस करके आपको दे देना है। टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल एट द सेंटर फॉर सिटीजन्स, तो गाइस आपका सेंटर में अवेलेबल होना चाहिए। देखिए गाइस ये आपका सेंटर में होना ही पड़ेगा क्योंकि गाइस ये मैंडेटरी है, स्टार मार्क है। और इंटर कैप्चर ये हमें कैप्चर दे देना है। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज ट्रू, तो देखिए गाइस ऊपर का सब कुछ सही है बोल के आपको यह हमें एक एग्रीमेंट करना है। आई हेयर बाय डिक्लेयर, तो सिंपली टिक लगा देना है, उसके बाद में सबमिट बटन करके आप लोग प्रोसीड कर सकते हो। इतना टफ नहीं है, आप लोग इजीली ये खुद से ही कर सकते हो, आपका भी हो जाएगा। अगर आपके पास सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है, ऑपरेटर सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ में आके इजीली UCL का काम ले सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।